वेलकम टू SRP नॉलेज हब। इस वीडियो में मैं आपको IPC और CRPC के बीच में क्या डिफरेंस है आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो IPC और CRPC, तो इसके बीच में इसका जो कि फुल फॉर्म है, IPC का है इंडियन पिनल कोड और CRPC का मेन जो कि फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो चलिए पता करते हैं ये क्या चीज़ है। इंडियन पिनल कोड जो कि है IPC एनलिस्टेड वेरियस क्राइम एंड देयर पनिशमेंट। तो जो कि IPC में जो कि एक यहाँ पर लिस्टेड है कि जो कि अगर कोई रूल ब्रेक करता है तो वो किस ऑफेंस के लिए रूल ब्रेक कर रहा है और उसका गुनाह क्या है, उसका क्राइम क्या है, जो कि IPC में यहाँ पर लिस्टेड है, और जो कि गुनाह के लिए क्या उनके उसका पनिशमेंट है, तो यहाँ पर IPC में वो मेंशन है। मान लो एक आदमी चोरी करता है तो उसके लिए, मान लो एक आदमी चोरी करता है तो उसके लिए क्या सजा है, क्या पनिशमेंट है, तो यहाँ पर वो लिखा गया है IPC में। और CRPC में वो वहाँ पर लिखा गया है कि मतलब यहाँ पर आपको बोल दिया कि ये क्राइम क्या है और यहाँ पर पनिशमेंट क्या है, पर उसके लिए पनिशमेंट का प्रोसीजर क्या है कि वो जो कि कौन सा प्रोसीजर में जाकर वो जो कि बंदा पनिशमेंट पाएगा, वो यहाँ पर CRPC में यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर है जिसका है एक लिस्ट है, क्राइम और पनिशमेंट का एक लिस्ट है, यहाँ पर उसका एक प्रोसीजर है। IPC एक सब्सटेंटिव लॉ है और CRPC एक प्रोसीजर लॉ है। तो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ क्या है, मैंने आपको और एक वीडियो में प्रोवाइड किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप वहां से चेक कर लीजिएगा प्लीज़। और ये इनएक्टेड हुआ था 1862 में, और जो कि CRPC स्टार्ट इनएक्टेड हुआ था 1973 और फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1974। तो मैं आपको यहाँ पर उसका तीन डिफरेंस यहाँ पर बताया, चलिए थोड़ी सी और डिफरेंस यहाँ पर पता कर लेते हैं। IPC में मेनली 23 चैप्टर्स है, जहाँ यहाँ पर CRPC में 37 चैप्टर है, और IPC के जो कि 23 चैप्टर के अंडर 551 सेक्शन है और CRPC में 484 सेक्शन है, 484 का सेक्शन है। और जो कि IPC में जो कि पनिशमेंट है वो मेजरली 5 सेक्शन है। एक है डेथ है, जो कि आपका फांसी हो जाता है उस, वो है, एक है लाइफ इम्प्रिजमेंट है, और एक है जनरल इम्प्रिजमेंट है, मतलब 2 साल हो, 5 साल हो, 7 साल हो, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है जिस क्राइम के लिए, तो यहाँ पर जनरल इम्प्रिजमेंट हो जाता है या फिर ज़िंदगी के लिए इम्प्रिजमेंट हो जाता है, और आपकी प्रॉपर्टी छीना जा सकता है अगर आपको कोई ऐसा ऑफेंस में आपको कोई पकड़े गए आप तो, और या फिर आपको फाइन हो सकता है। तो ये आपके मेनली 5 सेक्शन होते हैं जो कि पनिशमेंट का। और CRPC में इन शॉर्ट इट डिस्क्राइब द एंटायर प्रोसीजर फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू अरेस्ट। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एक मतलब एक प्रोसीजर है। आप मान लो कि आपको आप जाकर FIR फाइल किए किसी एक बंदे के खिलाफ, तो वहाँ से FIR फाइल होने से FIR कैसे फाइल होगा, उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, उसके बाद उसको कैसे अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद अगर वो बेल के लिए अप्लाई किए वो कैसे होगा, वो बेल के लिए कैसे अप्लाई करेगा, और जब अगर उसको ऑफेंस में अगर पकड़ा जाता है और कोर्ट ने बोलता है कि उसको ये सजा दो, तो वो जो कि पनिशमेंट में होगा, पनिशमेंट उसको मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, ये प्रोसीजर आपको मिल जाएगा CRPC के अंडर में। तो मोर और लेस मैंने आपको यहाँ पर दो जो कि मेन डिफरेंस है मैं आपको समझा दिया। तो ये बस ये छोटा सा एक डिफरेंस था, छोटा सा वीडियो था, तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।